हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग कोकोनट क्रीम बनाएंगे। ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत ही फेयर और ग्लोइंग बनाती है, और साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देती है। साथ ही हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम क्लिस्टर क्लियर, स्पॉटलेस और रेडिएंट हो जाती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग कोकोनट क्रीम बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट क्रीम बनाने के लिए मैंने ये आधे कच्चे नारियल को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये कट करा हुआ कच्चा नारियल डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच नारियल का पानी। जार का ढक्कन लगाएंगे और नारियल को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने नारियल को इस तरह अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट अब हम एक बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से कोकोनट मिल्क को छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने कोकोनट मिल्क को छानकर एक बाउल में अलग निकाल लिया है। कोकोनट मिल्क हमारी डल और ड्राई स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करती हैं, और साथ ही हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमें सनबर्न होने से बचाता है और साथ ही हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है और साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सबल भी बनाती है। नेक्स्ट अब हम इसमें 7-8 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। एसेंशियल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। और अब हम लास्ट में इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल जरूर ऐड करें। तो बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसका एक स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं क्रीम का टेक्सचर कितनी स्मूथ बनी है। तो ये हमारी कोकोनट क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक कांच का या फिर प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। आप इस क्रीम को फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने क्रीम को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे यूज़ करना है। इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, और उसके बाद इस तरह थोड़ी सी क्रीम लेकर इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह जेंटली मसाज करें, या फिर जब तक मसाज करें जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो जाती। इस क्रीम के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 बार सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करें। पर मेक श्योर कि अगर आप इस क्रीम के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर अप्लाई करें। और इसके रेगुलर यूज से आप लगभग 1 ही हफ्ते में देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। आपके एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, और साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप भी इस क्रीम को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।